हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आदें, कैसे हैं आप लोग? फिट हैं, खुश खुर्रम हैं? अम्मी अब ठीक हैं? सब लोग रेगुलर नहीं आ रहे होते यार, पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है वो जिन बच्चों ने पाक स्टडी इस्लामियात का पेपर छोड़ा है ना, उसकी तैयारी के लिए क्लासेस मिस कर रहे हैं। आई थिंक सो, है ना? जो रीटेक दे रहे हैं वो भी आ जाए जल्दी से बेटा। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आपको अपने आप से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा कौन प्यार करता है? अपने आप से भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स, पता है आपको, आपके अम्मी अब्बू। उनका ख्याल किया करें, उनकी बातें माना करें, उनकी बातों को माइंड नहीं किया करें, आपका भला सोचते हैं। मदर का प्यार तो होता ही होता है, फादर भी बेटा ऐसे ही प्यार करते हैं कि अपने वो इंसान फादर ही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है मुझसे आगे जाए, मुझसे आगे पहुंचे, मुझसे आगे तरक्की करे। आप तो छोटे हैं, आपको नहीं पता होता, कई बार आपसे मैच नहीं कर रही होती हैं। आजकल आपकी जो एज है ना, इससे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स के साथ। लेकिन जब आप खुद आ जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं, मेरे पेरेंट्स सही कहते थे। ऐसा ही है, आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी। अच्छा, हो जाए तो ऐसा लगता है कोरोना तो नहीं हो गया, बंदा ये डर रहा होता है कि पाकिस्तान में तो सही रहा। आगे नहीं बेटा, कितने आगे हैं? इतने भी कम आए हैं। चलो हम रिवाइज कर लेते हैं। बेटा, वी स्टार्टेड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, लाइट डिस्पर्स हो रही है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। क्या होती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। लाइट का स्प्लिट हो जाना उन कलर्स में जिनमें से वो मिलके बनी है। बेटा यहाँ पे वो नहीं रखा हुआ, एकोज आ रही हैं। मैट्रेस का लखो, यहाँ आपको एकोज आ रही होंगी, सही करते हैं। पता है जब हम कमरे में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो सामने की वॉल, पीछे की वॉल से साउंड टकरा के एकोज आ रहे होते हैं। अगर मैंने माइक ना लगाया हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपको फील हो। तो हम पता क्या करते हैं इस कमरे में, सामने वाली दीवार पे ना मैट्रेस होते हैं ना, वो दीवार के साथ जो हमने किए होते हैं, मैट्रेस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर्टन्स, मैट्रेस और कारपेट जो होते हैं, पढ़ा है ना, साउंड वेव को एब्जॉर्ब हो जाती हैं। साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हार्ड सर्फेसेस। अभी मैंने मैट्रेस का एक पीस रखा है, दो होते तो और ज़्यादा बेहतर होता, अब बेहतर हो गया। हाँ जी बेटा, तो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? वाइट लाइट, वाइट लाइट जो सर, ओके, हाँ जी बेटा, व्हाइट लाइट जब सन से आ रही होती है तो उसके अंदर सेवन कलर्स होती हैं, सेवन विजिबल लाइट के कलर्स होती हैं, और इंफ्रारेड भी होती है और अल्ट्रावायलेट भी होती है। अच्छा, जब ये रेज प्रिज्म से पास करती हैं तो क्या होता है, स्प्लिट हो जाती हैं। क्यों होती हैं स्प्लिट? इसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी, इसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि वैक्यूम में तमाम कलर्स की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। वैक्यूम में ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, बट वेन दे एंटर इन द डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ ऑल कलर डिक्रीजेज। सबकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन किसी की स्पीड में ज़्यादा चेंज आता है, किसी की स्पीड ज़्यादा डिक्रीज होती है, किसी की स्पीड में कम डिक्रीज आता है। चेंज तो होती है, किसी में ज़्यादा चेंज आता है, जैसे वॉयलेट कलर में ज़्यादा स्पीड चेंज आता है, वो ज़्यादा बेंड होती है। रेड कलर की स्पीड में कम चेंज आता है, वो डिक्रीज होती है, कम डिक्रीज होती है। वॉयलेट डिक्रीज होती है, ज़्यादा डिक्रीज होती है। तो क्या होता है, डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट स्पीड चेंज होता है, तो वो डिफरेंट एंगल्स पे बेंड हो जाते हैं। जब एक ही एंगल पे बेंड होते तो मिक्स्ड रहते, अलग अलग एंगल पे बेंड हो गए तो स्प्लिट हो गए। इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पढ़ा था आप लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हाँ जी, खाली रेड लाइट आ रही है मोनोक्रोमेटिक तो ये पाथ बनेगा, ऑरेंज आ रही है तो ये पाथ बनेगा, सिमिलरली येलो का ये पाथ बनेगा, खाली येलो, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ग्रीन का ये पाथ बनेगा, ब्लू का ये पाथ बनेगा, इंडिगो ने गिवन और वायलेट गिवन है, वायलेट का ये पाथ बनेगा, और जब व्हाइट लाइट आएगी तो ये पाथ बनेगा। व्हाइट लाइट ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा।
पढ़ा था आप लोगों ने जो रिवाइज कर रहे हैं, हम ऐसे शो करते हैं इसको, व्हाइट लाइट प्रिज्म सेवन कलर्स। बेटा ये बेंड हो रही है, देखो यहीं पे स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, स्प्लिटिंग स्टार्ट वहीं पे स्टार्ट हो गई है। स्प्लिटिंग कहां पे, जैसी प्रिज्म एंटर हुई स्प्लिटिंग वहीं से स्टार्ट हो गई है। हाँ जी देखो यहीं से स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई है। बाद बच्चे ना इसको यूं बना देते हैं, यहां तक स्ट्रेट ले गए, यहां तक स्ट्रेट ले गए, यहां डिस्पर्स कर दिया, ये रॉन्ग है। स्प्लिटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, और जरूरी नहीं है प्रिज्म हो, कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है, ग्लास ब्लॉक हो सकता है, ग्लास ब्लॉक, ये ग्लास ब्लॉक है, रे आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, तो ये पाथ बनेंगे उसके, ये रेड ये वॉलेट। तो जरूरी नहीं कि प्रिज्म हो, रेन ड्रॉप हो सकता है, रेन ड्रॉप जब रेन ड्रॉप पे लाइट आएगी तो क्या करेगी, कुछ यूं जाएगी कुछ यूं जाएगी, ये रेड ये वॉलेट, ठीक है। तो प्रिज्म जरूरी नहीं है, कोई भी डेंसर मीडियम होगा तो वहां पे डिस्पर्जन होगी, हम शो नहीं करते। पहले क्यों नहीं शो कर रहे थे, पहले हम यूज कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर लाइट, ओके, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉलेट, ये बात क्लियर है। कहां पे यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको कहां पे डिटेक्ट होगी, इंफ्रारेड रेस रेड से ऊपर और यहां पे वॉलेट से नीचे। अच्छा प्रिज्म यू पढ़ाओ ना तो रेस बेस की तरफ मुड़ती हैं, सबसे ऊपर वाली रेड सबसे नीचे वाली वॉलेट। अगर मैं प्रिज्म यू बना दूं बेटी ये देखो, अब क्या होगा, अब बेस ऊपर है ना, अब यू मुड़ेंगे, कौन सी रेड कौन सी वॉलेट, ये रेड ये वॉलेट, बेस वाली वॉलेट होगी, बेस की तरफ, बेस है ना ये बेस, बेस की तरफ वाली वॉलेट होगी। अगर बेस ऊपर है तो वॉलेट ये वाली होगी, याद रखना है इसको, हाँ ऐसे बेंड होती है। अच्छा फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक प्रिज्म होता है ना उसका बड़ा नैरो स्पेक्ट्रम बनता है, एक प्रिज्म लाइट को ज्यादा दूर तक नहीं करता स्प्लिट, करीब करीब करता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम दो प्रिज्म रखते हैं, दो प्रिज्म सेम ओरिएंटेशन में, देखो एक प्रिज्म रखा व्हाइट लाइट आ रही है, एक प्रिज्म ने ये नैरो स्पेक्ट्रम बनाया नैरो, और ये एक और प्रिज्म रख दिया, इसे स्पेक्ट्रम को वाइड कर दिया, वाइड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम, इज इट क्लियर टू यू। तो अगर हम नहीं नहीं एंगल वैसे ही बताया हुआ इन्होंने, एंगल बस इस तरह रखे कि रेस इसी एंगल पे आए, जिस यूं पड़ रही है ना यहां पे भी यूं पड़े, इसलिए ऐसे रखा हुआ है कि उसी तरह जैसे जिस तरह जिस तरीके से पहले प्रिज्म पे लाइट रेस पड़ रही है उसी उसी एंगल पे उसी पे अप्रोक्सीमेटली सेकेंड प्रिज्म पे पड़े, स्पेसिफिक एंगल की जरूरत नहीं है आपको। और अगर प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो क्या होती है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट आई सेवन कलर में स्प्लिट हुई, सेवन मिक्स होकर व्हाइट बन गए, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखवाई थी। क्या थी एक्सप्लेनेशन, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम मैक्सिमम स्पीड, बिल्कुल ठीक है, इन डेंसर मीडियम डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स स्मॉलर देन द स्पीड इन वैक्यूम, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड और क्या होती है स्मॉलर देन स्पीड इन वैक्यूम। अच्छा व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ ईच कलर डिक्रीजेस डिफरेंटली, पढ़ा था आप लोगों ने, द कलर विच अंडरगोज लार्जेस्ट स्पीड चेंज बेंड्स द मोस्ट एंड द कलर दैट अंडरगोज स्मॉलेस्ट स्पीड चेंज बेंड्स द लीस्ट, नाउ ईच कलर बेंड्स अ डिफरेंट एंगल्स एंड स्प्लिट, ठीक है। आज का काम क्या है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट करनी है। अच्छा बेटा ये असाइनमेंट नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज सॉल्व करें, आंसर लिखें। A light, a spectrum is formed when a white light passes through a prism. White light prism से पास कर रही है. In which positions are the color green, red and yellow seen? Green, red and yellow. पहले तो ये देखो ना, आप color spectrum लिखो. R, O, Y, Rho, A, G, B, V. ऐसे याद किया हुआ ना? Green, red and orange. Red सबसे ऊपर वाला होना चाहिए. Yellow दरमियान वाला. Green, ये red. फिर ये येलो फिर ग्रीन, तो ये क्या होना चाहिए, 1 2 3, ये 1 2 3, कौन सा आंसर है बेटा, आंसर इज सी, रेड ग्रीन, नहीं आंसर इज सी नहीं, आंसर इज डी, रेड येलो एंड ग्रीन, देखो ना रेड येलो एंड ग्रीन, ये तरतीब आ रही है ना, सबसे पहला देखो ना ऊपर रेड होता है, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉलेट, अगर इन तीनों में सबसे ऊपर कौन सा होगा, ग्रीन रेड एंड येलो में सबसे ऊपर कौन सा होगा, रेड, ये तो रेड है, और सबसे नीचे कौन सा होगा, ग्रीन, ये नीचे वाला ग्रीन है और येलो दरमियान में होगा, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, इसका आंसर डेल्टा है, डी आंसर इज डी, नहीं समझ में आता तुम्हें, आपके बच्चों ने किया है डी डेल्टा। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डायग्राम्स करेक्टली शोज द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्रास प्रिज्म? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्रास प्रिज्म, हाँ जी कौन सा वाला करेक्ट है? व्हाइट लाइट आ रही है, ये देखो यहां पे क्या गलती की, इधर ही स्प्लिटिंग होनी चाहिए ना, रेड ऊपर होता है येलो, ये बात सही है लेकिन ये बात गलत है, यहां पे स्प्लिटिंग होनी चाहिए थी, ये रॉन्ग है, यहां पे स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग सही है बट ये गलत है, ऊपर रेड होना चाहिए नीचे वॉलेट होना चाहिए, ये भी सही नहीं है ये भी सही नहीं है, सी क्या है? स्प्लिटिंग सही हो रही है, रेड ऊपर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, गेट इट? यहां पे क्या रॉन्ग है? वही रॉन्ग है कि इधर स्प्लिटिंग नहीं की और ऊपर वो भी गलत दिया हुआ है, बेस की तरफ वॉलेट कलर होता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री प्लीज। द डायग्राम शोज द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय द ग्लास। हाँ जी आपको कलर्स दिए हुए, आपको पता है इस कलर स्पेक्ट्रम, वन पे कौन सा होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉलेट। तो वन टू थ्री फोर, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू, कौन सा आंसर है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा इसका आंसर सी है, ठीक है का मसला। नेक्स्ट, अच्छा भी थ्री रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री बिटवीन द ग्लास ब्लॉक एंड एयर इंसिडेंट एट डिफरेंट, थ्री रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन ग्लास ब्लॉक एंड एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डिफरेंट, एंगल आई डिफरेंट है, ये 20 के एंगल पे आ रही है ग्लास में एंगल, ये 40 के एंगल पे आ रही है और ये 50 के एंगल पे आ रही है। अच्छा 50 पे क्या हो रहा है बेटा? टी आई आर, 50 पे क्या हो रहा है? टी आई आर, और 40 पे रे बाहर जा रही है, ओके इसका मतलब है इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है? मोर देन एंगल सी। अच्छा अब ये क्या है? 40, ये रे बाहर जा रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज लेस देन एंगल सी, क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो रे बाहर जाएगी ना, क्रिटिकल से बड़ा होगा तो टी आई आर होगा, और अगर क्रिटिकल होता तो क्या होता? रे 90 के एंगल पे चली जाती। व्हाट इज अ पॉसिबल क्रिटिकल एंगल? कौन सा है? कौन सा है? गुड, सी आंसर है इसका। बेटा 15 तो नहीं हो सकता ना, ये तो बाहर जा रही है ना, 40 भी क्रिटिकल एंगल से क्या है? छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अब इन दोनों के दरमियान में है क्रिटिकल एंगल, इन दोनों के दरमियान में है, तो क्रिटिकल एंगल को इन दोनों के दरमियान में ऑलमोस्ट 45। शाबाश बच्चों, गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट, विच डायग्राम करेक्टली शोज द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्रास प्रिज्म? ये तो दोबारा रिपीट हो गया ना, तो पता ही है सबको कौन सा है जी? व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर होते सार ही उसको वो हो जाना चाहिए, यहां पे प्रिज्म में एंटर होते सार नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही, यहां पे हो रही है, और रेड और वायलेट बिल्कुल सही है, सी आंसर है, यहां पे भी सही था लेकिन एक तो ये गलत है, ऊपर वायलेट और रेड नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट रे पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, ओके इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है 57 के एंगल पे आ रही है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इन अ ग्लास एंड व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल? करें कैलकुलेट, एक तो ये एंगल बताना है और एंगल सी बताना है, हो जाएगा कि नहीं होगा? कैलकुलेटर लेके आओ बेटा, सॉल्व करें प्लीज। वैसे मैं पता ही है जब ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है तो क्रिटिकल एंगल कितना होता है, आपने याद तो किया है, 42 के आसपास होता है ना, 42 होता है, एक तो हमें बताइए 42 होता है, और अब ये जो 57 से छोटा एंगल होगा, 60 तो हो ही नहीं सकते, अच्छा अभी दो हैं, आप फार्मूला भी लगा सकते थे, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, साइन सी इज इक्वल टू, अब क्या करना है बेटा? एंगल आर निकालना है, तो जब भी रे बेंड होती है कौन सा फॉर्मूला लगता है? एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर,
एन कितना है 1.5। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो ग्लास पे एंगल आर वो आर ही है, साइन 57 ओवर साइन आर। सॉल्व करो हरीम। ए पता नहीं, देखते हैं। ये साइन आर इधर आ जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा, 33, 34 ही होगा ऑलमोस्ट। ये आंसर है बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मुश्किल नहीं है ना यार, ये तो आते हैं आप लोगों के किए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ एक चीज सोच के, तमाम कलर्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेड के लिए जो है क्या वायलेट के लिए भी उतना ही होगा? सोचो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट एंड फॉर ब्लू लाइट सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या मतलब? याद देखो ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेसिकली समझने के लिए क्या, बेंडिंग एबिलिटी। तो सेम एंगल पे तो बेंड नहीं हो रही कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो। जो ज्यादा बेंड होगी उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ब्लू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ब्लू लाइट के लिए ज्यादा होगा, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए कम होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ब्लू लाइट ज्यादा बेंड होती है। ऐसे भी कर सकते हो आप, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला भी पढ़ा था ना आपने, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अच्छा, फर्स्ट मीडियम तो वैक्यूम है ना, वैक्यूम में स्पीड को सी कहते हैं ना, और मीडियम में स्पीड को वी कहते हैं। अब जिस कलर की स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ग्लास में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? रेड कलर की। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कलर कौन सा है ग्लास के अंदर? रेड कलर है। रेड की स्पीड ज्यादा है ना, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स, रेड की स्पीड ज्यादा है तो रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। रेड कम बेंड होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ब्लू की स्पीड चेंज, ब्लू की स्पीड कम है, देखो इनवर्स रिलेशन आ गया ना, वी के साथ, सॉरी वी के साथ इनवर्स रिलेशन। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, उतनी बेंडिंग कम होगी। तो तमाम कलर्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा। जो ज्यादा बेंड होते हैं उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जो कम बेंड होते हैं उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसको अपने नोट्स पे ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर द सेम मीडियम। लिख लो नोट, नोट लिखो अपने नोट्स पे। लिखो, डेंसर मीडियम विल हैव डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम विल हैव डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडिसेस कहेंगे जमा को, इंडेक्स की जमा इंडिसेस। The denser medium will have different refractive indices for different colors. For example, red color have least refractive index and violet color have most refractive index. For example, red will have least refractive index. For example, red will have least refractive index. रेड का लीस्ट होगा, बैंड कम होती है। वॉलेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बैंड ऐसे याद कर लो आप। एंड वॉलेट विल हैव मोस्ट इफेक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम का वॉलेट कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसी मीडियम का रेड कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब सोच के बताओ, क्या क्रिटिकल एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? क्या क्रिटिकल एंगल सेम होगा? बेटा जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट होगा ना। और क्या रिलेशन है? ये देखो, ये रिलेशन है, क्रिटिकल एंगल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से इनवर्स रिलेशन है। जिसका क्रिटिकल एंगल, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है ना, रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है ना, उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। तो हर कलर का क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट होगा। हो सकता है लाइट यूं आए, ये देखो, जैसे कि इधर सुनिए, इस फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट लाइट आ रही है, मैंने यहाँ पे डिस्पर्स कर दी हूँ सेवन कलर्स में, तो हो सकता है ये जो है ना ये TIR हो जाए और ये बाहर निकल जाए। ऐसा हो सकता है? ये रेड कलर है, ये वॉलेट कलर है, इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसा हो सकता है कि कोई कलर बाहर निकल जाए और कोई कलर TIR हो जाए, क्योंकि हर कलर का अपना क्रिटिकल एंगल है, हर कलर का अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है सेम मीडियम के लिए। तो डिफरेंट कलर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस भी डिफरेंट होंगे और डिफरेंट कलर के क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट होंगे। ऐसे याद कर लो, सिंपल, बहुत आसान है। जो ज्यादा बेंड होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वॉलेट ज्यादा बेंड होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा।
अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, इनवर्स रिलेशन। क्या कह रही हूँ? अच्छा, हाथ ऊपर कह रही थी मैंने, क्या? अच्छा, इज इट क्लियर टू यू? आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। फिगर 6.1 शोज अ रे ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम अ रे बॉक्स पासिंग इन टू अ ग्लास प्रिज्म। अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म बिटवीन पी एंड क्यू। स्टेट द कलर ऑफ लाइट एट पी। स्टेट वेदर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज लार्जर देन इक्वल टू अ लेस देन द वैल्यू ऑफ रेड कलर। स्पीड इन वैक्यूम, वेवलेंथ। जी पहले तो ये करें ना, पी पे कौन सा कलर मिलेगा आपको? डिस्पर्जन बना रेड, और वायलेट को वायलेट कलर से बनाते हैं ना। अच्छा, आगे कहते हैं, वेदर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन द वैल्यू ऑफ रेड लाइट। स्पीड इन वैक्यूम, ब्लू लाइट की स्पीड और रेड लाइट की स्पीड को कंपेयर करो। क्या चीज? हाँ, ये रेड, रेड, इसका रेड आंसर है, यू राइट। हाँ जी, तो आप बोलेंगे वैक्यूम में तो तमाम कलर की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। तो ब्लू हैज सेम स्पीड एज ऑफ रेड। अच्छा, वेवलेंथ की बात करें तो क्या वेवलेंथ सेम होती है? नहीं, वेवलेंथ सेम नहीं होती। जो रेडियो की तरफ होती है रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जो एक्सरेज की तरफ, क्या था, गैमा रेज की तरफ होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। याद है आपने पढ़ा था ना, रीड माय इनर वैल्यूज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वेव्स आ गया, MICRO, यार समझ गया ना आप लोग क्या लिखना चाह रहा हूँ। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव क्या हो गया? इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। आपको याद है हमने पढ़ा था वेव्स में गैमा रेज। अच्छा, विजिबल लाइट में क्या था? इंफ्रारेड की तरफ रेड कलर था, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो हमने बात की थी कि लेफ्ट टू राइट फ्रॉम रेडियो टू गैमा क्या होती है? वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। तो जो राइट लेफ्ट साइड पे कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ कम है। फ्रॉम रेडियो टू गैमा, याद है आपको, वेवलेंथ कम होती रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, हमने पढ़ा था। अच्छा बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ लिया, अब दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था, मैंने कहा थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए, इतने दिनों से पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग लिखिए अपने नोट्स में, देखिए, यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस ये, अगर यूजेस आज खत्म हो गए तो ठीक है, नहीं तो कल हो जाएगा खत्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर TIR यूज होता है। यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप नाम सुना है? पेरिस्कोप सुना है नाम तुमने? और एक यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का नाम तो सुना ही होगा आपने, आजकल ऑप्टिकल फाइबर बिछवा रहे हैं टेलीफोन के लिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मेन यूज है पेरिस्कोप और कहां पर यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस्कोप होती क्या बला है। बेटा फॉर एग्जाम्पल, पेरिस्कोप वो चीज होती है कि आप उस चीज को देखना चाहते हैं जो आपके सामने नहीं है। जैसे मैं अलमारी के पीछे देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं समंदर में और पानी के बाहर देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसको हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप। हम दीवार से ऊपर देखना चाहते हैं, हम दीवार तक नहीं पहुँच रहे लेकिन उसके उधर देखना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ होती है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होती है जी? ये देखो, ये वॉल है, वॉल, ये दरख्त है, वॉल से उस तरफ है, ये बच्चा खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर। अब इसको ये दरख्त कब नजर आएगा? जब उस दरख्त से लाइट इस तक पहुंचेगी। जब दरख्त से लाइट रेज आएंगी और इसकी आंखों तक पहुंचेगी तो दरख्त नजर आएगा ना इसको। अच्छा, अब ये रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट है, वॉल है, तो नजर तो नहीं आ सकता, तो कैसे नजर आएगा? कि लाइट यूं आए तो फिर यूं आए तो फिर यूं आए। तो हमने क्या किया, इस तरह का एक पाइप ले लिया, उसमें यहां पर एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर, और यहां पर एक मिरर रख दिया। क्या होगी, लाइट यूं आएगी, ये 45 डिग्री पे मिरर पड़ा हुआ है, लाइट को नीचे भेजेगा, ये 45 डिग्री पे लाइट पे बजा हुआ है, मिरर को नीचे भेजेगा, मतलब रे को नीचे भेजेगा, सॉरी मिरर को नहीं, रे को, और ये रे को 90 के एंगल पे मोड़ेगा। देखो 90 के एंगल पे, 90 के एंगल पे। तो इस तरह की जो चीज़ें जो रे को यूं आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन पे पहुंचा देती है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में
हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। आप कहेंगे सर यहां पे कैसे यूज हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां तो हुआ ही नहीं, ये तो मिरर है या तो रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। बिल्कुल सही है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम इसको TIR के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो यही चीज, अभी ड्रॉ ना करना, पहले सुन लो। देखो ये मिरर वाला काम, यहां से लाइट आ रही है, ये मिरर वन, इस मिरर वन ने लाइट को क्या किया 45 45 90 पे मोड़ा, इस मिरर ने क्या किया 90 पे मोड़ा। ये मिरर वन है और ये मिरर टू है। तो हम मिरर्स की भी पेरिस्कोप बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों, अभी समझाता हूं मैं, पहले सुन लो। ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है। अब देखो व्हाट इज दिस थिंग, आइसोस्थेस राइट एंगुलर प्रिज्म, पहले समझ लें फिर लिख लीजिएगा। ये 90 का एंगल है, ये 45 45 का एंगल है। आपको पता है जब भी रे 90 पे आएगी स्ट्रेट जाएगी, और यहां पे आपको पता है 45 का एंगल बनेगा, ये भी 45 का एंगल होगा, TIR होगा, और ये यूं करके यहां तक पहुंचेगी ऑब्जर्वर तक। आप कहेंगे सर ये भी वही काम कर रही है, ये भी वही काम कर रही है। यहां पे सिंपल रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, सिंपल रिफ्लेक्शन। और यहां पे क्या यूज हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज एक्यूरेट। तो अगर हमने पेरिस्कोप बनानी है और एक्यूरेट पेरिस्कोप बनानी है तो ये बेहतर है। एक्यूरेसी कहां पे चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए वॉर में, जंग में चाहिए एक्यूरेसी। आपको पता है समुंदर में कोई दुश्मन की शिप आ गई है, आप सबमरीन में बैठे हुए हैं, पानी के बाहर देखना चाहते हैं, पानी के बाहर से एक पेरिस्कोप निकलती है, एक पाइप सा निकलता है, इस तरह की चीज, ये देखो ये पानी के बाहर निकलती है, शिप वगैरह को देखती है, उसका टारगेट लेना होता है। तो अभी टारगेट कब आप सही लोगे, आपको पता है मिसाइल कितनी कॉस्ट का होता है, लाखों डॉलर का होता है एक मिसाइल। आपने शिप पे मिसाइल टारगेट करना है, हिट करना है। अगर 0.001 डिग्री भी एंगल चेंज हो गया तो मिसाइल नहीं लगेगा, मिसाइल एक तो पैसे जाया होंगे, दूसरा एनिमी को पता चल जाएगा कि सबमरीन नीचे है। सुन रहे हो, तो गलती की गुंजाइश नहीं है, एरर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं, ये चीज यूज करते हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं यूज करते, आप सुनो मेरी बात, ये इसलिए यूज नहीं करते, मिरर जो होता है ना, मिरर बेटा, मिरर की कुछ थिकनेस होती है, ये देखो मिरर ऐसा होता है, मिरर की पीछे वाली सरफेस पॉलिश्ड होती है ना, तो जब रे आती है तो इसमें एंटर होगी, यू बेंड होगी, यहां पे क्या होगा रिफ्रैक्शन, यहां पे क्या होगी बेंडिंग। अच्छा जब रे बेंड हो जाती है, जाते भी बेंड होगी, यहां से निकलते भी यहां भी बेंडिंग होगी। बेंडिंग से क्या होता है, आपको इमेज वहां पे नजर नहीं आता जहां पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है। पता है आपको, जब रे रिफ्रैक्ट हो जाती है तो हमें चीजें वहां पे नजर नहीं आती जहां पे एक्चुअली प्रेजेंट होती है। तो मिरर्स के अंदर जब रे एंटर होती है तो पीछे वाली सरफेस पे पॉलिश होती है ना, वहां से रिफ्लेक्शन होती है ना। तो जब मिरर के अंदर, आपको पता है ना मिरर होता क्या है, एक ग्लास शीट होती है जिसके पीछे सिल्वर पेंट किया होता है। आप घर में जो मिरर है ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ है, कभी टूटे तो देखिएगा, सामने तो ग्लास होता है ना, उसके पीछे सिल्वर पेंट होता है, सिल्वर पेंट। तो जो रे आती है वो यहां पे यूं एंटर होती है, बेंडिंग होती है उस पे एंटर, फिर इस जगह से क्या होता है रिफ्लेक्शन होती है, और यहां निकलते बेंडिंग होती है। जब बेंडिंग हो जाएगी तो इमेज एक्चुअल जगह पे नहीं बनेगा जहां पे प्रेजेंट है। हम चाहते हैं देयर शुड बी व्हाट, नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन हो गई तो इमेज आपको वहां पे नजर नहीं आएगा जहां पे है। यहां पे क्या है, लाइट स्ट्रेट जा रही है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। यहां पे क्या है, TIR हो रहा है, बाहर कैसे निकल रही है, स्ट्रेट निकल रही है, यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, तो ये बेहतर है। तो पेरिस्कोप में हम क्या करते हैं, राइट एंगुलर आइसोस्थेस प्रिज्म यूज करते हैं टू रिफ्लेक्ट द लाइट एग्जैक्टली एट 90 डिग्री, टू रिफ्लेक्ट द लाइट एग्जैक्टली एट राइट एंगल। तो पेरिस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी पेरिस्कोप है बेटा, ये भी पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप। ये एक्यूरेट पेरिस्कोप नहीं है जिसमें मिरर लगे हुए हैं। एक्यूरेट पेरिस्कोप कौन सी होती है, जिसमें आइसोस्थेस प्रिज्म लगे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये लिख लें, पहली बात ये लिखें, प्रिजम्स इन पेरिस्कोप, इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ कंसील्ड पोजिशन। पेरिस्कोप क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ कंसील्ड पोजिशन, यूजिंग टू राइट एंगुलर प्रिजम्स और मिरर टू चेंज द डायरेक्शन, मिरर को छोड़ो आप, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री, यूज इन वार एंड इन सबमरीन्स। ये लिखे हुए पॉइंट्स, इनको कॉपी करो ना मेरे। इमेज बनाती है अभी, यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसमें सबसे पहले लिख रहे हैं पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप क्या चीज होती है ये लिख लो प्लीज. इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ कंसील्ड पोजिशन. जल्दी जल्दी फास्ट लिखो. यूजेस टू राइट एंगुलर प्रिजम्स, हम प्रिजम्स की बात कर रहे हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री. यूज्ड इन वार एंड सबमरीन्स. ये तीन लाइनें लिखो ना, मैं आपको बताता हूं. यहीं से लिखना शुरू किया, पहले नहीं लिखवाया मैंने आपको, समझाया था मैंने आपको, दोबारा बता दूंगा. पहले लिख लो एक बार. पेरिस्कोप, लिख लिया. ये अभी कोई भी नहीं ड्रॉ करनी, अभी अगली मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आएगी. डायग्राम अभी नहीं ड्रॉ करो. ये पानी के अंदर से चीज निकल रही है, ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते. कर सकते हो? ये ड्रॉ करनी है. यहां पे सपोज ये पानी है, वाटर. यहां पे आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखें हैं प्यारी सी, काजल लगी हुई. और यहां पे कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी, ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है. इधर प्रिज्म रखा, ये लाइट रे यूं गई, इसके अंदर एंटर हुई और यूं और ये आंख तक पहुंची. और एक और लाइट रे आ रही है यूं करके, यूं ये दो प्रिज्म शो कर दिए. राइट एंगुलर आइसोसेलेस प्रिज्म, ये डायग्राम बनाए. ये वाटर सरफेस है, पानी के अंदर बैठे हुए आप. सॉरी, अच्छा एक मिनट, ये शिप है जी. पानी से ऊपर कैसे बन गई? ओह नीचे यार, मान लो समझ जाओ बस. अच्छा दोबारा बनाता हूँ यार, तुम मजाक उड़ा रहे मेरा. ओके ओके, शिप सही बना था. हंसता नहीं अभी, मिट जा भाई. पानी भी गया, दिखाता हूँ बेटा लास्ट स्लाइड, एक मिनट प्लीज. ये वाटर और इसके अंदर थी जनाब ये बड़ी सी शिप. अब बेहतर है, इस शिप से लाइट रेज आ रही है यूं, फिर यूं, फिर उसकी आंखों तक पहुंच रही है. ये ऑब्जर्वर है यहां पे मेरा बेटा. पहले ये ड्रॉ कर ले, मैं आपको वो तीन पॉइंट लिखवा देता हूं. अब पीछे साइड ये जो चीज निकल रही है बाहर, ये क्या है? पेरिस्कोप. ये पाइप सा था ना जो आपको नजर आ रहा था, पाइप सा वो बाहर निकला हुआ. प्लीज फास्ट अरिम. पेरिस्कोप, इस प्रिज्म को देखो. अगर आपने लाइट को नीचे मोड़ लिया ना नीचे, तो प्रिज्म को ऐसे रखेंगे ऐसे, ताकि इस सरफेस से उड़ेगी. जैसे कोई बॉल आ रही हो और आपने नीचे को डिफ्लेक्ट करना, तो बैट को यूं रखेंगे ना. अगर आप इसको ऊपर रख देंगे, यूं रख देंगे गलती से. कैसे बनाऊं? हाँ यूं, तो फिर लाइट यूं आके ऊपर चली जाएगी. तो ये गलत है, नीचे मोड़ना है तो ऐसे रखेंगे, ऊपर मोड़ना है तो ऐसे रखेंगे. ये नजर आ रहा है, इधर बना देता हूँ बेटा. अगर मैंने लाइट रे को नीचे मोड़ना है, तो ये वाली सरफेस मैं यूं रखूंगा, ये इधर यूं और ये यूं. अगर रे को लाइट राइट पे मोड़ना है, राइट पे, तो ये हाइपोटेन्यूस यूं रखूंगा और यूं बना लूंगा, यूं बना लूंगा, लाइट यूं चली जाएगी. ये हाइपोटेन्यूस मोड़ते हैं रे को. इधर से तो 90 पे एंटर होती है, 90 पे निकलती है, 90 पे एंटर होती है, 90 पे निकलती है. आसान हो रही है, मैं बोल रही हूं, आप कॉपी करें प्लीज. डन.
गुड, पिछली स्लाइड भी देख लें। जाकल जी बेटा, ये पानी से जो बाहर चीज़ निकली हुई है ना, यहाँ पे लाइट रेज आएंगे तो बाहर की चीज़ें नजर आएंगी इस पानी में। पेरिस्कोप, लिख लिया बेटा, ये भी बना लिया। अच्छा, अभी शुरू से सुन लें, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, क्या पढ़ा है नई चीज आज हमने पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ये है कि आप दीवार के यहां पे खड़े हैं और बाहर की चीजों को देखना चाहते हैं, आप इस तरह की चीज ऐसी डिवाइस बना सकते हैं। ओके, तो एक पाइप में यहां पे एक मिरर लगा लिया, कि मिरर यहां पे लगा लिया, ये लाइट रे यूं आई, रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई, फिर इसे इसके ऑब्जर्वर की आंखों तक आ गई, तो दीवार के पीछे खड़ा होकर ये दीवार की इधर की चीजों को देख सकता है। पेरिस्कोप, इसमें मिरर भी यूज हो सकते हैं, प्रिज्म भी यूज हो सकते हैं। अब ये कोई एनिमी, ये तो कोई आर्मी तो नहीं है ना कि दरख्त एक्यूरेट जगह पे नजर आए, थोड़े आगे पीछे भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसके लिए तो सही है, चलेगा, आप मिरर की बना लें। फिर मैंने बताया पेरिस्कोप किसकी, मिरर्स की भी हो सकती है और प्रिजम्स की भी हो सकती है। ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट क्यों नहीं है, ये एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि मिरर में जब लाइट एंटर होती है ना, थोड़ी सी मिरर की कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है ना यार, तो वहां पर रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन से रे बेंड होती है, बेंडिंग से चीजें आपको वहां पे नजर नहीं आती एक्चुअली जहां पे प्रेजेंट है। अगर आप रे को 90 डिग्री पे यूज करने के लिए मिरर यूज करते हो तो एक्यूरेट नहीं बनेगी, अगर प्रिज्म यूज करते हो तो एक्यूरेट बनेगी, क्योंकि प्रिज्म में एंटर भी नॉर्मली हो रही है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, और लीव भी नॉर्मली कर रही है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। गेट इट? अच्छा, और इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्या है? फिर मैंने बताया कि हम प्रिज्म वाली पेरिस्कोप यूज करते हैं सब मेरीन्स में, वॉर्स में, इसके मैंने यूजेस बताए, और ये डायग्राम बनवाइए आपको। इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? कन्फ्यूजन? अच्छा चले, अब जिसको समझ में आया ना वो मुझे ये बना के दिखाए। ब्लैंक स्क्रीन। ओके जी, ये कोई ऑब्स्टिकल है, और यहां पे पाइप लगा हुआ है, एक पाइप, पाइप ये पाइप बना रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे। ये पॉइंट पी, पॉइंट पी को मैं यहां से देखना चाहता हूं, ये पॉइंट पी है, ये पाइप है, पाइप यहां पे ऑब्जर्वर है, आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं। बताइए, हर कोने पे आपको प्रिज्म चाहिए, कॉर्नर वन पे प्रिज्म चाहिए, कॉर्नर टू पे प्रिज्म चाहिए, कॉर्नर थ्री पे प्रिज्म चाहिए, कॉर्नर फोर पे प्रिज्म चाहिए, कैसे रखें प्रिज्म्स? मिरर भी रख सकते हैं, मिरर नहीं, प्रिज्म, प्रिज्म कैसे रखें कि लाइट यहां से चले और वहां तक पहुंच जाए? हरी अप प्लीज ट्राई करें। बेटा देखो, 90 पे कोई नहीं, कुछ 90 पे भी आएंगे, मिलियंस ऑफ रेज आ रही होती है ना ऑब्जेक्ट से, जो रेज आ रही है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रिज्म है, अब इससे जो रेज आ रही है यूं भी जा रही है, यूं भी जा रही है, यूं भी जा रही है, तो कोई 90 भी तो आएगी ना यार, ये हम तो 90 वाली सिलेक्ट कर रहे हैं ना, किसी पॉइंट से मिलियंस ऑफ रेज आती है ना, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे जो स्ट्रेट आएगी, वही नीचे तक पहुंचेगी ना। जी जनाब, प्रिज्म्स कैसे प्लेस करें कि इस बंदे को ये पॉइंट पी नजर आ जाए? मुझे प्रिज्म्स की पोजीशन चाहिए, तो आसान तरीका नहीं, पहले बोल लो, जल्दी करो ना यार, टाइम नहीं है। अच्छा क्या करिए,
आते हैं ब्लेस करने, कर सकते हो? आपको हिंट दूं, सबसे पहले आप सोचेंगे हमने प्रिज्म नहीं रखने, मिरर्स रखने हैं, मिरर्स। तो मिरर कैसे रखोगे रे? नीचे जाए, यहां पे मिरर कैसे रखोगे रे? इधर आए, यहां पे मिरर कैसे रखो तो इधर आए, यहां पे मिरर कैसे रखो तो इधर आए। या आप सोचो कि आप टेबल टेनिस के प्लेयर हो, कि बॉल को, बॉल आए, आप बॉल यूं आ रही है, आप चाहते हो बॉल यूं आ रही है, आप चाहते हो बॉल नीचे, तो रैकेट को कैसे रखेंगे? यूं रखेंगे कि यूं रखेंगे? या आप क्रिकेट के प्लेयर हो, बॉल आ रही है, आप चाहते हो बॉल ऊपर जाए, तो बैट को क्या यूं करोगे कि यूं करोगे? बॉल को उधर भेजना है, यूं करोगे कि यूं करोगे? इसको जहन में रखो तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो रे आ रही है, मैंने इसको नीचे भेजना है, तो मिरर को कैसे रखना पड़ेगा? पहले मिरर रख लो, तो ऑब्वियसली यूं रखना पड़ेगा ना मिरर को। तो मैं मिरर रख देता हूँ, मिरर को किसी और कलर से बनाता हूँ, रेड से। तो मिरर को यूं रखना पड़ेगा, मिरर, मिरर को यूं रखेंगे। अच्छा, ये जो रे आएगी नीचे, जो रे आएगी, ये जो रे नीचे आएगी, इसको मैंने इधर भेजना है ना, और इसको मैंने इधर भेजना है ना, इसको मैंने इधर भेजना है ना। तो बेटा ये जो रे नीचे आएगी, इसको मैंने राइट पे भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिरर को कैसे रखना पड़ेगा? मिरर को ऐसे रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मिरर को ऐसे रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मिरर को ऐसे रखना पड़ेगा। पहले मिरर बना लें। मिरर बन गए, मिरर बन गया। अब ये देखो हरीम, मिरर बन गया। अब क्या है, यूं और यूं कर दो। कर लिया, शाबाश। यूं और यूं कर दो। देखो पहले मिरर रख दिया, इस साइड को यूं और यूं कर दे, इस साइड को क्या करें, यूं और यूं कर दे। अब देखें, खुद देखें, लाइट रे आ रही है, नॉर्मली एंटर होना है, यहां से आई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यहां से यूं गई बेटा, और यहां से यूं गई। गेट इट? पहले आपने ये वाली चीज बना लो। ये कुछ बच्चे यूं बना रहे होंगे, मुझे पता है, मिरर तो बना लिया ना, ये रे को मोड़ने के लिए मिरर तो यूं बना लिया, इसको यूं कर देंगे। ये रॉन्ग है बेटा, रे ने यहां से नहीं जाना, इस पर एंटर करवाना है, तो ये रॉन्ग है। आपको नॉर्मली रे को लेके आना है, ये फ्लैट बना, इस जगह से आनी है, लेकिन यहां पे नॉर्मली एंटर होगी, नॉर्मली लीव करेगी, नॉर्मली एंटर होगी, नॉर्मली लीव करेगी, नॉर्मली एंटर होगी, नॉर्मली लीव करेगी। ये पूछता नहीं एग्जामिनर, मैंने वैसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए किया। ठीक है बेटा, सो आज के लिए काफी है, जल्दी से जूम ऑन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।